जय श्री राम दोस्तों, SSC मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज 1 अप्रैल 2020 के जितने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे हम आपको इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताने वाले हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन की शुरुआत हुई है? तो इसका शुरुआत तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ये 10 किलोमीटर के पास जितने व्यक्ति हैं उन्हें खाना पार्सल करके भेजा जाता है। मोदी किचन की शुरुआत हुआ है जहाँ पे। नेक्स्ट है, अब बात है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री एडपी कृपलानी स्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अब मध्य प्रदेश का हाल ही में नया मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर लालजी टंडन। गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात में ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 500 रुपया का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने नए लोगों का अनावरण किया है? तो नया लोगों का अनावरण PNB बैंक ने किया है। इसमें तीन बैंक मिला हुआ, एक तो पंजाब हुआ, दूसरा ओरिएंटल बैंक और तीसरा यूनाइटेड सेंट्रल बैंक। ये तीनों बैंक मिला करके एक नया लोगों का क्या किया, अनावरण किया है। हाल ही में 10 बैंकों का मर्ज हो करके 4 बैंक का निर्माण किया गया है। 10 बैंकों को मर्ज करके कितना बैंक निर्माण किया गया है? 4 बैंक का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्रमिकों को 1,000 रुपया देने की घोषणा की है? तो असम की सरकार ने 7.2 इतना श्रमिक लाख श्रमिकों को 1,000 रुपया देने की घोषणा की है। अब यहाँ के असम असम की राजधानी दिसपुर। चीफ मिनिस्टर सर्वानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी। और असम में ही एक घरेलू संगरोध केंद्र बनाने की घोषणा की है। ये घोषणा इसलिए किया गया है COVID-19 को देखते हुए सूरज डाई स्टेडियम में डोमेस्टिक काउंटिंग सेंटर स्थापित किया गया है। इसमें कोरोना वायरस से पीड़ित व्यक्ति को रखा जाएगा इलाज के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में क्वारंटीन मोबाइल ऐप्स विकसित किया, किसने किया है? तो क्वारंटीन मोबाइल ऐप्स IIT बम्बई ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में परवई मुनियम्मा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये गायक थे, तमिल लोक गायक थे। इनका निधन मदुरई में हुआ है और इन्हें एक उपाधि दिया गया था, तो उस उपाधि का नाम क्या है? कलाई ममानी। नेक्स्ट है, हाल ही में आपातकालीन निकासी बैग निर्माण किसने शुरू किया है? ये COVID-19 को देखते हुए DRDO ने शुरू किया है। DRDO ने आपातकालीन बैग क्या थे? इसमें COVID-19 से पीड़ित व्यक्तियों को इस बैग में पैक किया जाता है ताकि कोरोना वायरस और दूर तक न फैल सके। अब बात है DRDO। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चेयरमैन कौन है? तो सतीश रेड्डी। इसका मोटो कौन क्या है? DRDO का मोटो बलेस मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई
ने ई पास जारी करने की घोषणा की है। जारी करने के लिए प्राज्ञान मोबाइल ऐप्स लॉन्च किए थे। झारखंड की सरकार ने प्राज्ञान मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया है। यह ऐप्स के द्वारा लॉकडाउन पास में ई पास ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसे किसी व्यक्ति को डॉक्टर के पास जाना है या बैंक से पैसा निकालना है, इसके लिए ई पास जारी कर किया जाएगा। ये किसके द्वारा? तो प्राज्ञान मोबाइल ऐप के द्वारा आपको ई पास प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा पावर ने किस देश में सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का संचालन शुरू किया है? तो इसका संचालन का शुरुआत जॉर्जिया में किया है। इसका शुरुआत कहाँ किया है? जॉर्जिया में। अब यहाँ की कैपिटल क्या है? तो यहाँ की कैपिटल तमिटली। करेंसी क्या है? तो जॉर्जियन लॉरी। प्रेसिडेंट यहाँ के कौन है? तो एस जूरा बिस्ली। और ये जो टाटा पावर ने किया है, क्या है? सुआ खेवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये कितना मेगावाट का है? तो 178 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को लिए अपने हाथ को स्वच्छ करने के लिए मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन स्थापित किया गया है। इसको एक स्थापित किया गया है। और ये जो है अपने आसपास में सफाई रखने के लिए, और आंध्र प्रदेश में एक निगाह क्या निगाह एप्स लॉन्च किया गया था। ये किस लिए लॉन्च किया गया था? तो चुनावी निकाय चुनाव को निगरानी के लिए ये एप्स लॉन्च किया गया था। और आंध्र प्रदेश में ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में ही। क्या? तो ड्रोन पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने की घोषणा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने की घोषणा की है? तो एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। इसकी स्थापना 1967 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मनीला। और इसका चेयरमैन कौन थे? मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में। इसका चेयरमैन कौन है? तो मसातुका उसका। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस देश के हास्य अभिनेता केन सिमुरा का निधन हुआ है? ये जापान के अभिनेता थे। उनका नाम क्या है? केन सुमरा था, जिनका निधन हाल ही में हो गया। किस कारण हुआ? तो कोरोना वायरस से इनका निधन हो गया। अब बात आया जापान। जापान की कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन, प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शिंजो याबे। यहाँ के सांसद क्या है? तो डाइट। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च की है? राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च की है, तो ये राजस्थान की पुलिस ने इम्पोर्टेंट काम के लिए घर से निकल रहे बैंक या हॉस्पिटल इत्यादि का पास जारी करने के लिए ये अपने कर्मचारी को दिया जाता है। और राजस्थान के सरकार ने ही अपने कर्मचारी को महंगाई भत्ता कितना बढ़ाया था? 4% बढ़ोतरी किया था, 4% का। अब बात आई राजस्थान। राजस्थान की राजधानी जयपुर, सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कलराज मित्र। और उत्तर प्रदेश में विशाल
उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय के विकास के लिए 100 करोड़ की मांग की गई। उत्तर प्रदेश, अब बात है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश में ही ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय खोला गया है। अब ऑप्शन से कर लेते हैं, गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। और गुजरात सरकार ने गृह शिक्षण कार्यक्रम का शुरुआत किया था। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय श्री राम।